अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह का शेरी का टाइम है, तो अभी हम कर रहे हैं शेरी की तैयारी। और मेरा कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा था, तो माई ने शाम को जो है कि छोले पुलाव बनाए थे, तो मैंने सोचा चलो उनको खाते हैं। मगर शाम को जब मैंने खाया थोड़ा मुआनी से थोड़ा नमक कम रह गया था, तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। तो देखिए, बस मैंने ये प्याज फ्राई कर ली है, हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। तो बस अभी ये हमारा जो है कि तैयार है मसाला, और अब हम इसमें डाल देंगे बस अब राइस जो मुआनी ने बनाई थी। मैं अभी ऊपर ही हूँ किचन में, देखिए ये वो राइस हैं जो मुआनी ने शाम को बनाए थे। तो मैं ऊपर मुआनी के किचन में ही हूँ, और मुआनी है, बुज़रा है, हम सभी हैं, शेरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये बना लिया है और अभी हम बस सब खाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, सॉरी हरा धनिया डाल रही हूँ जो मैंने काटा था, और अभी मैं प्लेट में इसको सर्व कर रही हूँ। जल्दी ठंडा हो जाए फिर हम खाएंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी ना। और बस हमारी शेरी हो चुकी है, मुआनी है, और ये आ गए हम अपने सामने, घर के सामने दरवाजे पर, और उसका सीरियल है, और यहाँ पर देखिए ठेले लगने की तैयारी भी होने लगी। ये अपने ठेला तैयार कर रही हैं सब्जी का, जो ये सब्जी का ठेला लगाती हैं। बस सीरियल जब भी मेरी वीडियो में आती हैं आप सभी ज़रूर देखना। अभी आगे कई बार आएंगी सीरियल, और जब भी आएंगी और तभी आप सभी को बताएं कि वीडियो को लाइक करें। तो अभी देखती जाइए आप, और वीडियो को एंजॉय करते जाइए। और हम शेरी करने के बाद देखिए बिल्लू भी शेरी करने के लिए उठते हैं, और उन्होंने काफ़ी सारा खा लिया है, तो वो अपने जो है कि जॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं बजाने के लिए, और काफ़ी हंस रहे हैं। देखिए बिल्लू काफ़ी क्यूट है और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्लू थक गए हैं, अब उनको गोदी में ले लिया गया है, और अभी अब है दिन का टाइम, और घर में बच्चे जो है कैसे देखो टाइम पास कर रहे हैं। हमारे आर्यन है, अक्षरा है, और ये हमारे मामू के लड़के की लड़की है, हमारे भैया की लड़की है अनन्या, जो अक्षरा की फ्रेंड है, तो अक्षरा उसको ही बुला लेती है और किसी को नहीं बुलाती, क्योंकि मैंने मना किया है कि ज़्यादा लोग उनको नहीं बुलाया कर घर पर। और ये तो मामू ऊपर मुआनी के यहाँ पर रहती हैं, तो ये खेल रहे हैं आर्यन, अक्षरा, अनन्या, ये सब खेल रहे हैं लंगड़ी, और लंगड़ी कम खेल रहे हैं, मैंने इनको देखा कि लड़ ज़्यादा रहे हैं। तो इनको देखकर मुझे अपने जो मैं हम भी ऐसे बचपन में छोटे थे, हम भी खेलते थे और काफ़ी इसी तरह लड़ा करते थे अपनी चाली के लिए, और काफ़ी जो है कि इन्जॉय करते थे। तो वो दिन जो है कि बस एक बार चले जाते हैं फिर आते नहीं लौट गए। और हम बस इसी तरह जो है कि मैं देख रही थी आर्यन क्या कर रहा है, देखिए वो डाल रहा था उस स्टाइल से, मैंने क्या किया अंटा फेंक रहा है कि अंटे खेला कंचे खेलते ना इस तरह ऐसे कंचा फेंकते हैं, वो इस टाइप से फेंक रहा था, मैंने कंचा खेल रहा है तो इस तरह फेंक रहा है। मैंने कहा अच्छा तू भी लंगड़ी खेलता है? हाँ मैं बाजी मैं भी खेलता हूँ ना लंगड़ी, देखो खेल के दिखाऊँ, यहाँ देख लो कि देखो कैसे आर्मी लंगड़ी खेल रहा है, और चीटिंग भी बहुत कर रहा था, मैं देख रही थी उसको जब वीडियो शूट कर रही थी, और उन दोनों को जो है कि बेवकूफ़ बना रहा था, अक्षरा को और अनन्या को, और लड़ रहा था अपनी चाली के लिए, देखिए। तो बस इनका जो है कि युद्ध चालू हो चुका है, और ये तो बस ऐसे ही जो है दम करते रहेंगे। देखो उसको चलने नहीं दिया, खुद जो है कि हार गया है, उसके बावजूद जो है कि बीच में बैठ गया है, तो अनन्या उसके ऊपर चढ़ रही है, उसको उसके उसने अक्षरा को उसकी चाली नहीं चलने दे रहा है आर्यन, और चीटिंग करता है आर्यन। और देखिए फ्रेंड्स, आज दुकानें जो है कि खुल गई हैं, और ज़्यादा नहीं पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी बहुत खुल गई हैं, और ये पुलिस वाले आए थे, उन्होंने ये सर्कल बनाए हैं। तो फ्रेंड्स बस, और अभी देखिए शाम का असर
के बाद का टाइम हो चुका है और अभी आंधी चल रही है जोरों से और मौसम चेंज है और लाइट भी चली गई है। देखिए फ्रेंड्स, देखो किस तरह धूल उड़ रही है, कितनी धूल उड़ रही है। और आंधी चल रही थी तो आंधी आने के कारण लाइट चली गई। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सीजन फिर दोबारा से आ गई हैं और वो कर रही हैं एक्टिंग। आप सभी देखिए आगे आगे का होता है क्या। देखिए चल गई, बोल रही थी बाजी हमारा नाम लेना अपनी वीडियो में, मैंने आपको कमेंट किया है। उसने कई बार कमेंट किया मुझे कि अपना नाम देने के लिए। मैंने बोला हाँ जरूर लूँगी ना, अभी जब वीडियो में कमेंट्स नाम लूँगी ना तब ले लूँगी। नहीं बाजी, मैं इस पर चढ़ के बोल रही हूँ आपसे मेरा नाम लेना, और मैं अपने जो है आपके फ्रेंड्स को भी बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स देखिए, और आंधी आते आते बारिश भी होना चालू हो गई और देखिए ऐसे रिमझिम चालू हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और सीजल जो है कि उसी पे छड़ी हुई है अभी, ये बगल में इनकी दुकान है परचूनी की, सीजल की ये सीजल का भाई है बड़ा सोहिल, ये दोनों काफ़ी कॉमेडी करते हैं, काफ़ी दम मचाते हैं। और जो कि बहुत सोहिल और हम तो साथ में खूब खेले हैं बचपन से ही, और जी शान था हम सब जो है कि साथ में। ये बगल वाला सोहिल इधर की साइड में, बगल में काना है और मैं जी शान, हम सब सर्दी में खूब रैकेट खेलते थे, खूब मज़ा आता था। अब कुछ नहीं है, अब तो बस ऐसी है और बारिश हो रही है। तो बस फ्रेंड्स, लाइट नहीं थी मगर ऊपर जो है कि इन्वेटर है, तो बस हमने जल्दी जल्दी जैसा जो है कि इफ्तारी की तैयारी करनी थी इस तरह थोड़ी बहुत जल्दी पल्दी ऐसी इफ्तारी की तैयारी कर ली है। तो बस देखिए, हमने फ्रूट्स काट लिए हैं, पास्ता बनाया है और थोड़े बहुत पापड़ तल लिए हैं, शिकंजी बनाई है, लस्सी बनाई है। बस इफ्तारी की हमारी जो है कि तैयारी हो चुकी है और बस हम जो है इफ्तार करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और हमसे कोई खता हुई है तो उसकी भी माफ़ी मांगेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप सभी भी रोज़ा इफ्तार कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, रोज़े रखिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह कुरान की तलावत कीजिए, बस अल्लाह से दुआ करते रहिए और दुआओं में याद रखिए हमको भी। तो फ्रेंड्स बुसरा बैठ गई हैं और बुसरा अल्लाह से दुआ कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रोया इफ्तार के बाद हम जो है कि ऊपर टेरेस पे आए और टेरेस पे आकर हमने ये देखा कि चाँद जो है कि इतना प्यारा लग रहा था देखने में, मेरी जो है कि नज़र हट ही नहीं रही थी, बस आसमान में बस चाँद दिख रहा था और एक सितारा दिख रहा था जो काफ़ी प्यारे, काफ़ी सुंदर, ब्यूटीफुल, बस बस मैं कोई शब्द नहीं है कह नहीं सकती। और चारों तरफ जो है कि काले काले बादल छाए हुए थे और बस चाँद जो है इतना प्यारा चमक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पहुँच जाऊँ बस। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सब सुपर वाली छत पे आए थे तो ये सीजल फिर आ चुकी हैं, आपसे सलाम कर रही हैं, हाय कर रही हैं और बोल रही हैं लाइक कीजिए वीडियो। ओके हमारी सीजल ने बहुत बार जो है कि बोला है आपसे कि वीडियो को लाइक कीजिए जब भी वो आती है और ऐसे ही करती है। और देखिए उसने टकली बजा दी उसकी। ये सभी ऊपर छत पे हैं, मगरिब के टाइम के बाद से ही इन्होंने छत पर ही जो है कि रोया इफ्तार किया, बगल वाली छत है, हम जॉइंट है और हमने तो नीचे ही रोज़ा इफ्तार किया था, बुला रही थी बट हम जो है आए नहीं थे क्योंकि नीचे हम खोल रहे थे। और इन्होंने पगल वाली भाभी हैं, उन्होंने ऊपर ही छत पर रोज़ा इफ्तार किया और छत पर नमाज पढ़ी, तो बस हम गए थे ऊपर, हवा चल रही थी। और ये देखिए हमारा बिल्लू क्या कर रहा है, देखिए अपने पापा की कट्टू कट्टू कर रहा है, काट रहा है, पिट्टू कर रहा है, देखिए देखिए इतनी ज़ोरों ज़ोरों से, इतनी हंसी आ रही थी मुझे, मैंने कि कर क्या रहा है, इतनी ज़ोरों की हंसी आ रही, मैंने बिल्लू कर क्या रहा है, कैसे मार रहा है, वो हंसता जा रहा, वो मारता जा रहा, हंसता जा रहा, मारता जा रहा, इतने इतने मज़े कर रहा है बिल्लू जो पूछा नहीं जाए, और पीछे मज़ा करे और कट्टू करे और मारे, मैंने कि आज हो गया, क्या खा लिया इसने, हैं देखो 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 वो चिल्ला रहे हैं, मामू वैसे मज़ा कर रहे हैं, वो कट्टू कर रहा है, वो हंस रहा, देखो देखिए ये बिल्लू है हमारा बिलाल, और जिसने आज अपने अब्बू की है पिटाई जोरों की मन भर के, और अब उनका मन भर गया है। तो हमारा बिल्लू तो ऐसा ही है, क्यूट सा, प्यारा सा और नन्ना मुन्ना सा। तो माम कर रहा है आप सभी से अस्सलाम वालेकुम, और बिल्लू
बस अभी हम बिल्लू तैयार है बस जाने के लिए अपने पापा के साथ में। हम कर रहे हैं बाय, और आप सभी से हम भी कर रहे हैं बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय। और लोग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप सभी को हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा। और बिल्लू भी बोल रहा है आपसे बाय बाय फ्रेंड्स।